हाई एवरी वन एंड यू वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ 3 डिफरेंट सैंडविचेस, बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि उसको हम एक ही बेस से बनाएंगे। इसका मतलब कि आपको अलग अलग प्रिपरेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, एंड द थिंग इज़ कि इन तीनों का टेस्ट बिल्कुल अलग आएगा एक दूसरे से। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट सैंडविच विच आई एम गोइंग टू मेक इज़ द वेज मेयो सैंडविच। फॉर दिस आई हैव टेकन वन बोल। इन टू दिस आई एम एडिंग चॉप्ड कैरेट, चॉप्ड कैप्सिकम एंड सम चॉप्ड फ्रेंच बीन्स। ये सारी जो है मैंने फाइन चॉप कर ली थी और इसको मैंने हाफ हाफ कप लिया हुआ है। नेक्स्ट 2.5 टीस्पून ऑफ वाइट मेयोनीज इसमें ऐड की है एंड सम सॉल्ट एज पर द टेस्ट एंड हाफ अ टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर ऐसा लगेगा कि मेयोनीज थोड़ा कम है डिपेंडिंग अपॉन द क्वान्टिटी ऑफ वेजिटेबल्स, तो इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी। सो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ऑफ मेयोनीज और ऐड किया हुआ है। अगर आप चाहें तो आप गार्लिक मेयोनीज का भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसे टेस्ट थोड़ा और इन्हांस हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने वाइट ब्रेड स्लाइसेस ली हुई हैं और उस पर सिंपली बस इस ब्रेड को हम लगा देंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें और भी वेजीज अपनी चॉइस की आप ऐड कर सकते हैं, लाइक यू कैन ऐड सम कैबेज और सम कॉर्न्स ऑल्सो, विल टेस्ट वेरी नाइस। सो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो उसके लिए आपने देखा मैंने सेरेटेड नाइफ़ का यूज़ किया है, मतलब जिस नाइफ़ में आगे की तरफ मार्क्स होते हैं ना, अगर वैसे नाइफ़ का आप यूज़ करेंगे तो ब्रेड्स वगैरह के जो एजेस हैं वो बहुत ही क्लीन कटते हैं। तो यहाँ पर ये सैंडविच हमारा बन करके रेडी हो गया है एंड इट वॉज सो ईजी टू मेक। इसको आपको कुक करने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ यू वॉन्ट अ हेल्दियर वर्जन ऑफ इट, तो आप इसमें ब्राउन ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं और मेयोनीज की जगह आप कर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड सैंडविच विच इज़ द ग्रीन चटनी सैंडविच। और इसको बनाने के लिए सेम मैंने वही वेजीज और मेयो वाला मैंने जो मिक्स बनाया था उसको यूज़ किया है। बस इसमें मैंने हाफ कप ऑफ चॉप्ड अनियन और थोड़े से पुदीना की लीव्स मैंने चॉप करके ऐड कर दिए हैं, जो कि इसको एक डिफरेंट टेस्ट देंगे। एंड देन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एक ब्रेड स्लाइसेस और ये सेम वही वाइट ब्रेड स्लाइसेस हैं जिनके की कॉर्नर्स रिमूव कर दिए हैं। इस पे हम लगा देंगे थोड़ा सा बटर ऑन बोथ द ब्रेड स्लाइसेस। देन इस पर लगाएंगे हम थोड़ी सी पुदीना और कोरिएंडर की होममेड चटनी। अब हमने बटर इसलिए लगाया क्योंकि जब भी हम चटनी वगैरह लगाते या केचप लगाते तो जो उसका मॉइस्चर है वो ब्रेड में चला जाता है, ब्रेड उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और उसकी वजह से वो सॉगी हो जाती है। इसलिए आप कभी भी कोई भी मॉइस्चर वाली चीज़ अगर लगा रहे हैं तो उसके नीचे आप पहले बटर ज़रूर से लगा लीजिए, तो ब्रेड जो है काफ़ी टाइम तक आपकी ऐसी ही फ्रेश बनी रहेगी, बिल्कुल भी सॉगी नहीं होगी। और अब हम इसको बीच में से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये सैंडविच भी बन करके रेडी है एंड जो इसमें हमने अनियन, मिंट लीव्स और ग्रीन चटनी जो ऐड की है उससे इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। यू विल नॉट गेट टू नो कि वो सेम हमने बेस यूज़ किया हुआ है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड सैंडविच विच इज़ द पनीर बटर सैंडविच। इसमें मैंने सेम उसी मिक्स में थोड़ा सा चॉप्ड पनीर ऐड किया हुआ है एंड 1 टीस्पून ऑफ केचप। इफ़ यू वांट यू कैन आल्सो ऐड सम तंदूरी मेयोनीज वगैरह भी आप इसमें डाल सकते हैं, तो उससे टेस्ट और डिफरेंट हो जाएगा। अगेन वी आर गोइंग टू टेक द वाइट ब्रेड स्लाइसेस एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई सम बटर ऑन इट। वंस द बटर इज़ अप्लाइड इसके ऊपर हम लगा देंगे सेम ग्रीन कोरिएंडर और मिंट वाली चटनी एंड फिर जो हमने मिक्स बनाया था वो हम इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे एंड देन वी आर गोइंग टू कवर इट विद अनदर ब्रेड और जेंटली इसको प्रेस करेंगे। बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू गिव इट अनदर ट्विस्ट और इसको हम थोड़ा सा बटर से सेकेंगे। यहाँ पर मैंने पैन में थोड़ा सा बटर ले लिया था और उसके ऊपर मैंने सैंडविच को रख दिया है एंड ऊपर की भी ब्रेड पर हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे एंड इस तरीके से फ्लिप करते हुए हमें इसे सेक लेना है जब तक कि ऊपर की जो ब्रेड्स है वो क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पर ये सैंडविच हमारा बन करके रेडी है एंड इट हैज़ टर्न आउट रियली क्रिस्पी। तो इसको भी हम बीच में से कट कर लेते हैं इनटू हाफ एंड हियर यू कैन सी दैट दिस सैंडविच हैज़ टर्न आउट सो वेल एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड एंड बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग ये दिख रहा है। टेस्ट वाइज भी ये बहुत अच्छा बना था। सो आई होप कि आज की तीनों रेसिपीज आप लोगों ने इंजॉय की होगी विच इज़ वेरी हैसल फ्री। सो डू गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाय फ्रॉम मी।